एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉल राउटिंग जो कि लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी किया था इस लेक्चर में अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं द लैब स्टार्ट करेंगे हम गेटवे से देन हम मूव फर्दर करेंगे लाइक राउट पैटर्न राउट लिस्ट राउट ग्रुप गेट तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो गेटवेस पे करेंगे फर्स्ट गेट हम ऐड करेंगे फिर राउट ग्रुप, फिर राउट लिस्ट फिर राउट पैटर्न एंड देन हम आगे एक मैं आपको एक इसमें दिखाऊंगा ट्रांसलेशन पैटर्न भी हम कैसे ऐड करते हैं क्या पैटर्न होता है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्या क्या नहीं होती तो लेट्स तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें इस पे गेट वे क्रिएट करना है गेट वे हमें ऐड करना है एक्चुअली तो मैंने ऑलरेडी सी सी एम पे लॉग इन कर लिया है तो गेट वे के लिए आपको डिवाइस डिवाइस में आपको यहाँ पे गेट वे पे क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस देगा कि आपको कौन कौन से गेटवे ऐड करने हैं लाइक कैसा गेटवे ऐड करना है आपको एस टी टू थ्री एड करना है या आप एम जी सी पी एज अ एम जी सी पी गेट वे आप एड कर रहे हैं अगर आप एजीसीपी गेट वे कुछ भी एड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे आपको चूज करना होगा जो आपका मॉडल नंबर है डिपेंड्स की आपका हार्डवेयर क्या लगा होगा गेट वे और हम एच थ्री टू थ्री गेट वे अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एच थ्री टू थ्री गेट वे का तो यहाँ से आपको एच थ्री टू थ्री गेट वे करना है एंड देन नेक्स्ट तो जैसे ही आप एच थ्री टू थ्री गेट वे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे देगा आपको डिवाइस नेम डालना है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कुछ मैंडेटरी थिंग्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डली हुई है या हम इसमें आप देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें ऐड करनी है लाइक like अभी डिवाइस नेम डालना है मुझे तो मैं डाल देता हूँ टेस्ट एच थ्री टू थ्री गेट ठीक है और डिस्क्रिप्शन में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपकी इसमें मैंडेटरी चीज है फर्स्ट वो है आपका डिवाइस पूल ये आपको खुद चूज करना होगा यहाँ पे डिवाइस पूल जब भी आप ड्रॉप डाउन करेंगे जो आपने डिवाइस पूल बना रखे होंगे वो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में शो कर देगा लाइक like अगर मैंने ये सारे बना रखे मैं इसमें से जो भी चूज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ बट अभी इसके लिए मैं एक डिफॉल्ट डिवाइस पूल जो की एक डिफॉल्ट होता है मैं वो यूज कर रहा हूँ बाकी इसमें आपको ऐसे कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है लोकेशन है वो ऑलरेडी आपकी हबन हब रहती है आपने अगर अलग अलग लोकेशन बना रखी हैं वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से और जो यहाँ पे ऑप्शन हैं लाइक एम टी पी रिक्वायर्ड रिट्राई वीडियो कॉल ये आपके जो रिट्राई वीडियो कॉल एज ऑडियो और ये वेट फॉर एंड ये आपके बाइट डिफॉल्ट चेकड रहते हैं आपको अगर अनचेक करना है आप कर सकते हैं बट ये एक वो चीज़ है कि डिफॉल्ट सिस्को ने बना के दी दीजिए कि ये चीज तो रहेगी ही रहेगी आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं आप चेंज कर सकते हैं। और ये एम टी पी रिक्वायर्ड वाली जो चीज़ है ये थोड़ा इन डेप्थ में हो जाता है जब हम मीडिया रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे एम टी पी मीडिया डॉमिनेशन पॉइंट रिक्वायर्ड इसका क्या मेन लॉजिक है क्या इसके पीछे के जो भी थ्योरीज चलती हैं ठीक है तो गेट ऐड करने के लिए मेन आपने क्या आपने चूज कर लिया प्रोडक्ट कौन सा आप यूज़ कर रहे हो एस थ्री टू थ्री गेट में फिर डिवाइस नेम आपने डाल दिया एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिवाइस पूल ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपके जियो लोकेशन जियो फिल्टर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं बट अभी फॉर द टाइमिंग हम ये यूज़ नहीं कर तो कुछ नहीं करना दैट्स इट ये चीज़ और क्लिक ऑन सेव मैं सेव से पहले कह रहे कि अप्लाई कॉन्फिक पे क्लिक करो बट ये ऑटोमेटिकली अब ये ले लेगा सेव पे क्लिक करते ही अप्लाई कॉन्फिक का आपको ऑप्शन शो कर देगा जैसे हमने सेव किया अप्लाई ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड अभी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड तो ऐसे किसी चीज पे होगी नहीं क्योंकि ये नया गेट में हमने बनाया है कुछ ऐसे तो है नहीं कि मैंने कुछ डिवाइसेस पे लगा रखा है तो ये उस पर कॉन्फ़िग अप्लाई कर देगा तो फर्स्ट थिंग हमने क्या कर ली हमने क्या क्या बनाना है अगर हम कॉल राउटिंग का चीज कर रहे हैं तो राउट पैटर्न होता है राउट लिस्ट होता है राउट ग्रुप होता होता है एंड देन गेटवे है हमने कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है तो हम डाउन टू अप चलते हैं तो हमने गेटवे ऐड कर दिया अब हमारा ऑप्शन है आगे राउट ग्रुप का ठीक है तो राउट ग्रुप आपको ऐड करने हैं यहाँ पे आपको जाना है कॉल राउटिंग कॉल राउटिंग में आपको जाके राउट राउटस्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी राउट ग्रुप लोकल राउट ग्रुप नेम्स राउट लिस्ट और राउट पैटर्न ये आपको देखेगा कि किस ये अगर आप सीरियल वाइज देखो तो सबसे पहले आपको राउट ग्रुप ऐड करना है ये उसी सीरियल वाइज इन्होंने दे रखा है राउट ग्रुप करना है फिर राउट लिस्ट और फिर राउट पैटर्न तो हम ऐड करते हैं सबसे पहले राउट ग्रुप आई होप आपको थ्योरी वाला पार्ट क्लियर होगा अगर आपने अभी तक इससे पहले अगर थ्योरी का पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप थ्योरी पार्ट देखिए फिर आप इस लेव वाले पार्ट पे आइए अब हम राउट ग्रुप ऐड करने के लिए हमें क्या करना है क्लिक ऑन ऐड न्यू जैसे ही एडमी पे क्लिक करोगे ये आपको ऑप्शन दे देगा नेम, नेम पूछेगा जो भी है यहाँ पे अब हम दे, दे देते हैं टेस्ट राउट ग्रुप फाइव ठीक है उसके बाद है ये डिस्ट्रीब्यूशन एल्गो लाइक अगर मेरे पास मैंने दो राउट ग्रुप बना रखे हैं या इसमें और चीजें मैं ऐड करता हूँ तो वो कैसे चले टॉप डाउन अप्रोच ले या सर्कुलर अप्रोच ले तो अभी हम एज ए टॉप डाउन अप्रोच ले लेते ले हैं उसके बाद मेन चीज जो आपकी है आपको क्या करना ही है ये आपने राउट ग्रुप ऐड कर दिया और अभी तक आपने क्या किया राउट ग्रुप का नाम ऐड किया है और कुछ नहीं अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहां से चूज करना है ये क्या कह रहा है फाइंड डिवाइसेस टू ऐड टू राउट ग्रुप तो राउट ग्रुप में मुझे क्या ऐड करना है गेटवे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं अपना गेटवे देखूंगा मैंने कौन सा गेटवे बनाया था मैंने बनाया अपना ये वाला गेटवे टेस्ट एच थ्री टू थ्री गेट अब मैं क्या कर रहा हूँ मैंने जैसे ही क्लिक किया इसने लोड किया उसके बाद ये सिलेक्ट हो गया और मुझे ये क्लिक करना है ऐड टू राउट ग्रुप जैसे ही मैं ये ऐड टू राउट ग्रुप करूंगा ये यहाँ पे मुझे शो कर देगा सिलेक्टेड डिवाइसेस में सेलेक्ट ही हो चुका है ऑलरेडी इट्स क्लिक ऑन ऐड टू राउट ग्रुप तो जैसे ही मैंने ये ऐड टू राउट ग्रुप किया ये आपको शो कर देगा यहाँ सिलेक्टेड डिवाइस में अब मेरे पास अगर बाई चांस कोई और भी है लाइक समझ लो मेरे पास ये आई एम एंड प्रेजेंस नाम का है कुछ मैं इसको भी राउट ग्रुप में ऐड करता हूँ ये मेरी एक ट्रंक हो सकती है ये मेरा एक गेट पे हो सकता है जो भी मैंने ऐड किया होगा तो मैं अगर इसको करता हूँ ऐड टू राउट ग्रुप तो ये आप देखेंगे यहाँ पे नीचे भी आ गया ठीक है ये सिलेक्टेड डिवाइस तो मेरे पास दो आ गए तो अगर ये फर्स्ट पे जैसे कुछ भी होता है कॉल्स हमारी फर्स्ट से चल रही है बट ये फुल हो गया फिनिश हो गया और कोई पोर्ट नहीं बचा इसमें तो ये नेक्स्ट पे जाएगा अब इस डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम का मतलब क्या है अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच लेता हूं तो ये फर्स्ट इस पे जाएगा सेकंड इस पे जाएगा फर्स्ट इस पे सेकंड इस पे फर्स्ट इस पे सेकंड इस पे ये आ गया आपका टॉप डाउन अप्रोच ओके तो और सेकंड आपका है सर्कुलर अप्रोच सर्कुलर अप्रोच अभी आपको इसमें जैसे अगर हम दो चीजें ले रहे हैं तो इसमें सर्कुलर में आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा जैसे अगर मेरे पास चार डिवाइसेस हैं फर्स्ट वन टू थ्री एंड फोर अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच लेता हूं तो मैं फर्स्ट पे जाऊंगा सबसे पहले मेरे सब कुछ फुल है ठीक है उसके बाद मैं जा रहा हूं सेकंड पे ये हो गया टॉप डाउन जैसे मेरा फर्स्ट पे कुछ कल तो वो फर्स्ट पे ही हिट करेगा हमेशा अगर मैं ये ऑल पोर्ट्स पे हूँ और इसने अगर यहाँ पे देखा मेरे कुछ पोर्ट्स खाली थे हमेशा इसी पे ही जाएगा ये सेकंड पे नहीं जाएगा सर्कुलर में क्या होता है ये फर्स्ट को तो हिट करेगा सबसे पहले उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो सेकंड पे जाएगा फिर जो नेक्स्ट आएगी वो थर्ड पे जाएगा फिर जो नेक्स्ट आएगी वो फोर्थ पे जाएगा तो वो सर्कुलर में ऐसे सर्कुलर पूरा लूप चलता है और टॉप डाउन में वो सबसे पहले फर्स्ट को हिट करेगा अगर वो खाली नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा ठीक है उसके बाद क्लिक ऑन सी ठीक है अब हमारा ये राउट ग्रुप भी ऐड हो गया ठीक है ये हमारे आप देखेंगे राउट ग्रुप मेंबर से यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दे अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है राउट लिस्ट राउट स्लेट हंट सेम चीज आपको कॉल राउटिंग राउट हंट एंड राउट लिस्ट राउट लिस्ट में जाएंगे अब राउट लिस्ट में क्या होगा राउट ग्रुप ऐड होंगे अब राउट ग्रुप में आपको मैंने दो चीज थ्योरी वाले पार्ट में एक तो नॉर्मल हमने जो राउट ग्रुप क्रिएट किया एक तो मैं ये ऐड करूंगा क्योंकि जिसमें हमारे गेटवेज है दूसरी चीज है हमारी एस एल आर जी दैट इज स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप ये भी मेरे राउट लिस्ट में ऐड होगा लेट्स क्लिक ऑन एड न्यू तो जैसे ही एड न्यू पे क्लिक करा ये क्या करेगा मुझे नाम मांगेगा कि मुझे नाम दे दो कोई ओके okay. टेस्ट राउट लिस्ट फाइव लेट्स से हमने राउट ग्रुप को फाइव दिया था राउट लिस्ट फाइव डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम ही दे देता हूँ ठीक है उसके बाद सी यू सी एम ग्रुप ऐड करना है सच अभी मैं डिफॉल्ट यूज कर लेता हूँ जैसे मैं ये सेव पे क्लिक करूंगा इसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी ये कहेगा मुझे राउट ग्रुप ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये ऐड किया यहाँ पे आ गया ऐड राउट ग्रुप अब इसमें दो चीजें एक लेट्स क्लिक ऑन मैंने पहले मैं इस पे ऐड करता हूँ ऐड राउट ग्रुप पे क्लिक करते हैं इसके बाद जो आपकी चीज होगी वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मुझे अब एस एल आरज एड करना है या मुझे जो राउटप्रुप मैंने बनाया है वो एड करना है वो कहाँ पे होगा मैंने एड राउट ग्रुप पे क्लिक किया यहाँ पे आप देखेंगे ये राउट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैंडेटरी फील्ड है और यही हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप डाउन पे किया एक तो ऑप्शन दे रहा है स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप ये डिफॉल्ट आएगा सिस्को की तरफ से मैंने ये कुछ भी ऐड नहीं किया यहाँ पे तो ये आपको डिफॉल्ट इसमें दिखेगा ही दिखेगा नेक्स्ट चीज आपकी ये टेस्ट राउट ग्रुप जो मैंने बनाया और ये भी पहले बना हुआ होगा ये मैंने अभी अभी बनाया तो अब अगर मैं अपने एनवायरमेंट में एस यूज कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट इसमें एस फर्स्ट यू ले लूंगा और मैं अगर सेकंड प्रायोरिटी देना चाहता हूं तो मैं टेस्ट ग्रुप फाइव दे दूंगा जो मैंने लिया अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एस यूज करना है लाइक मेरे पास बहुत सारी साइट्स हैं आई होप आपको एस एल आर थ्योरी पार्ट में क्लियर होगा बट एक ओवरव्यू मैं आपको इसमें भी दे देता दे हूँ एस एल आर लाइक हमारी अगर मल्टीपल साइट है बट आप चाहते हो कि मैं अगर किसी भी साइट पे जाऊँ तो उसी गेटवे से कॉल निकले जो की एक ट्राई का रूल है एटलीस्ट इंडिया में आपका ये ट्राई का रूल है कि आप जिस साइट पे बैठे हो लाइक आप गुड़गांव में हो तो उस साइट के लोकल गेट वे से कॉल निकलनी चाहिए या आप हैदराबाद साइड पे हो या आप मुंबई बेंगलोर चेन्नई कहीं भी हो उस पर्टिकुलर साइट के लोकल गेटवे से ही कॉल निकलनी चाहिए ये एक हमारा ट्राई का रूल है तो उसके लिए हमें एस यूज करना पड़ता बाकी आप अगर ये टेस्ट राउट ग्रुप अगर मैं ये चूज कर लेता दैट आप कहीं भी बैठे हो अगर मैं एक पैटर्न पे वो राउट पैटर्न में बनाऊंगा राउट पैटर्न पे ये वाली राउट लिस्ट लगाऊंगा तो वो क्या करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी गेटवे से कॉल निकालेगा मैं कहीं भी बैठा हूँ डजेंट मैटर मैं कहीं से भी कॉल कर रहा हूँ मैं बस वो पैटर्न चूज कर रहा हूँ वो पैटर्न इस गेटवे से कॉल निकालेगा जो कि ट्राई के रूल के अगेंस्ट है ठीक है तो ये हम ले सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ही साइट है मैंने राउट पैटर्न बना दिया तो मैं ये डायरेक्ट पर्टिकुलर ये यूज कर सकता हूँ और सेकेंड चीज हम ये एस एल आर जी सेकेंड एस एल आर जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दी तो राउट लिस्ट में मैंने किया एड टू राउट ग्रुप तो मैंने एक एस एल आर जी यहां पे चूज कर लिया ठीक है अब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता हूं एस एल आर जी और उसके बाद बाई चांस मेरा वो डाउन हो गया और कुछ मेरा ऐसा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक आपके इमरजेंसी वाली चीज़ होती हैं तो उस केस में मैं क्या करता हूँ ये एस एल आर जी तो मेरा यूज़ हो ही रहा है बाई चांस उस साइड में डाउन हो बहुत कुछ भी डाउन हो सकता है तो मैं क्या करता हूँ एक बैकअप के तौर पर जो ये मैंने दिया ये जो मैंने टेस्ट राउट ग्रुप बनाया हुआ था वो भी मैं एज अ सेकेंडरी इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरी एक राउट लिस्ट बन गई जिसमें मैंने एस एल आर जी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और जो मैंने राउट ग्रुप बनाया उसको मैंने सेकेंड प्रायोरिटी दे दी राइट right? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एस एल आर जी पे ही जाएगा ये सेकेंड पे नहीं जाएगा अनटिल एनलेस कुछ मिस हैपनिंग हो उस पर्टिकुलर साइट पे गेटवे नहीं हो कुछ भी हो सकता है उस केस में ये इस पे जाएगा राइट right? तो ये हमने बना दिया राउट लिस्ट बन गई अब क्लिक ऑन सेव तो अब हमारी क्या हो चुकी है हमने गेटवे क्रिएट कर लिया हमने राउट ग्रुप क्रिएट कर लिया हमने राउट लिस्ट क्रिएट कर ली उस उस राउट लिस्ट में हमने राउट ग्रुप डाल दिए उस राउट ग्रुप में क्या कहते थे एस आर जी था और मेरा जो मैंने राउट ग्रुप बनाया था वो डाल दिया मैंने ये दोनों चीज डाल दी अपनी राउट लिस्ट में सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कॉल राउटिंग में जो कि होता है हमारा राउट पैटर्न राउट लिस्ट बन गई राउट ग्रुप बन गया गेट बन गया अब मुझे राउट पैटर्न क्रिएट करना है ताकि उस राउट पैटर्न में फिर मैं डालूंगा राउट लिस्ट जो कि मैंने अभी बनाई है राउट पैटर्न के लिए आपको सेम कॉल राउटिंग राउट एंड राउट पैटर्न एंड देन जब ये ओपन हो जाए तो क्लिक ऑन एड न्यू जैसे ही हम ये एड न्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये मुझे ऑप्शन देगा कि राउट पैटर्न जो मुझे बनाना है वो कैसा बनाना है like लाइक मैं एक राउट पैटर्न एक यूनिवर्सल बना देता हूँ मैंने ये बनाना है, इस इसका मतलब कोई भी अगर नंबर प्रेस कर रहा है नाइन और उसके बाद वो कोई भी नंबर डाल करता है तो वो हमेशा इसी राउट पैटर्न को हिट करे ठीक है तो ये मैंने बना दिया एक राउट पैटर्न अब मुझे इसमें पार्टीशन देना जरूरी है मैंने कोई भी अगर आप कोई भी जो भी आप पार्टीशन बनाओगे आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सी में वो पार्टीशन दे रहे हो जो कि इस राउट पैटर्न को हिट करेगा लाइक like अगर मैं इसमें लेना चाहूँ तो चलो एक पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड था मेरा वो ले लिया डिस्क्रिप्शन में नॉर्मल हम कुछ भी दे सकते हैं एक मैं अभी तो टेस्ट ही दे देता हूँ टेस्ट फाइव जो कि हम यूज कर रहे हैं फाइव नंबरिंग प्लान हम नॉर्थ अमेरिकन ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान यहाँ पे जो भी हम वहां पे यूज होता है वही वाला चूज करते हैं उसके बाद जो इसमें मेन चीज है वो है आपका ये गेट वे स्लैश लिस्ट या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट गेट भी डाल सकते हैं बट उसका बेनिफिट नहीं होगा आपकी एक सिंगल साइट है आपके पास एक गेटवे है तो कोई लॉजिक नहीं बनता आपको राउट लिस्ट बनाने का एक ही साइट है तो बट आपकी मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पे एक आप सिर्फ और सिर्फ गेटवे अगर आपने यहाँ चूज कर लिया तो वो गेटवे आप कहीं और चूज नहीं कर सकते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही गेटवे दिखाएगा जो कि आपने कहीं और चूज नहीं करे लाइक like किसी राउट ग्रुप में आपने वो गेट में नहीं डाला तो ही यहाँ पे शो करेगा लाइक like आप देख सकते हैं यहाँ पे वो राउट ग्रुप या गेट जो वो गेट वे यहाँ शो नहीं हो रहा जो मैंने बनाया था मुझे राउट लिस्ट मिल रही है जो मैंने राउट लिस्ट के अंदर राउट ग्रुप डाल दिया राउट ग्रुप के अंदर गेट वे डाल दिया तो यहाँ पे अब मैं चूज कर लेता हूँ टेस्ट राउट लिस्ट फाइव जो कि मैंने बनाई थी ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपकी एक दो चीजें और होती हैं एक ऑथराइजेशन कोड रिक्वायर फोर्स ऑथराइजेशन कोड एंड रिक्वायर क्लाइंट मैटर कोड हालांकि अभी आजकल ये चीजें बहुत ही बहुत ही रेयर है कि यूज हो रही हैं बट हम ये यूज नहीं करते ठीक है तो उसके बाद आपकी चीजें इसमें कॉलिंग पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते लाइक like अगर आपने ये नाइन डॉट एट बनाया है इसके लिए अब मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ तो ये है कॉल्ड पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे डिस्कार्ड कर दूंगा मैं प्री डॉट क्या है मैंने डिस्कार्ड पे गया प्री डॉट डिस्कार्ड कर दिया तो अब मेरी जो आगे कॉल जाएगी वो नाइन को हटा देगा जो आगे का नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ वही जाएगा ठीक है उसके बाद क्लिक ऑन सी ठीक है तो ये हमारा राउट पैटर्न क्रिएट हो गया अब इसमें क्या हुआ मैंने राउट पैटर्न क्रिएट कर लिया राउट पैटर्न में क्या डाल दिया राउट लिस्ट जो कि मैंने पहले क्रिएट की थी उस राउट लिस्ट में मैंने राउट ग्रुप डाल दिए जो की मैंने बनाया था राउट ग्रुप बनाया था और एक एस बनाया था मैंने वो डाल दिए उसके अंदर क्या है मेरे एस एल आर जी का कंसेप्ट मैं दिखाता हूँ कि वहां पे तो मैंने सिर्फ एस डाला है बट गेट मैंने कहीं भी चूज नहीं किया वो आपको दिखाता हूँ कि कहा पर होगा अभी बात करते हैं राउट ग्रुप के अंदर जो नॉर्मल गेटवे मैंने बनाया था उसमें मैंने गेट डाल दिया और सॉरी राउट ग्रुप डाल दिया और उस राउट ग्रुप के अंदर मैंने गेटवे डाल दिया तो मेरी कॉल प्रॉपर स्मूथली वहां से निकल जाएगी अब बात आती है हमारी एस एल आर जी की तो एस एल आर जी हम कहाँ पे डालते हैं एस एल आर जी जो हम मेनली डालते हैं वो हम डालेंगे डिवाइस पुल ठीक है तो डिवाइस पूल आपको जो जहाँ पे जाना है आपको डिवाइस पूल के लिए सिस्टम पे जाना है सिस्टम पे गए सिस्टम पे आपका ये डिवाइस पूल है इस डिवाइस पूल के अंदर जो है आपको एस की इनफो डालनी है एस एल आर जी दैट इज स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप जो कि हम राउट लिस्ट में यूज कर रहे थे ठीक है हम क्लिक करते हैं एड न्यू पे जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया डिवाइस पुल डिवाइस पुल पे एड न्यू तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि हम डिवाइस पुल बनाते हैं तो वहां पे ही हम अपना एस एल आर जी डालते हैं एस एल आर जी चूज करते हैं उसके अंदर हम गेटवे चूज करते हैं तो मैंने ये ले लिया टेस्ट डिवाइस पूल फाइव ठीक है सीयू सी एम ग्रुप मुझे ऐड करना है मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट चूज कर लेता हूँ ठीक है तो आपकी जो डिवाइस पुल में मेन मेन चीजें होती, है, जो होती है? group, region, C -C हैं जो कि होती है डेट टाइम ग्रुप रीजन और सीयू सी एम ग्रुप ये आपकी मैंडेटरी चीजें जो आपको चूज करनी ही करनी है और ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी एक्सेप्ट डिवाइस पुल तो डेट टाइम ग्रुप मैं एक डिफॉल्ट सी एम लोकल बनाता है वो यूज कर रहा हूँ रीजन भी मैं एक डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ जो कि डिफॉल्ट चीजें बनी हुई आती हैं सी यू सी एम में ही है मैंने कुछ अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया कि मैंने पहले क्रिएट कर दिया अब आप आपको शो नहीं हो रहा या शो नहीं कर रहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब कुछ ऑलरेडी डेट टाइम ग्रुप है ये सीएम लोकल ऑलरेडी क्रिएटेड आता है रीजन में आपका ये डिफॉल्ट क्रिएटेड आता है ऑलरेडी ये चीजें मैंने क्रिएट कर रखी है तो मैं अभी डिफॉल्ट ही यूज कर सी यू सी एम ग्रुप सेम मैं डिफॉल्ट ही यूज कर ठीक है उसके बाद जो मेन चीज हमने यहाँ देखनी है वो है एस एल आर जी ये है आपकी लोकल राउट ग्रुप सेटिंग्स अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है स्टैंडर्ड लोकल राउट ग्रुप ठीक है अब आपने वहां पे एस एल आर जी यूज किया है तो अब वो एस एल आर जी इस डिवाइस फूल में आके चेक करेगा कि इस एस एल आर जी के अंदर मेरा कौन सा गेटवे है तभी ये उस गेटवे से कॉल निकाल देगा जैसे एस एल पे हिट करेगा तो ये उस गेटवे पे कॉल निकाल देगा जैसे मैंने ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया यहाँ देखोगे एक ये आरजी रिकॉर्डर दिखा रहा है और एक टेस्ट राउट ग्रुप फाइव दिखा रहा है जो कि मैंने बनाया था ठीक है इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने बनाया था यहाँ शो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राउट ग्रुप है और मैंने राउट ग्रुप ही क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने गेटवे डाले थे तो लाइक मैं यहाँ पे एक राउट ग्रुप बना देता हूँ मुंबई का राउट ग्रुप बना दिया एक मैंने बना दिया आपका चेन्नई का राउट ग्रुप एक मैंने बना दिया हैदराबाद ग्रुप तो मैंने तीन राउट ग्रुप बना दिए तो मैं तीनों के अलग अलग डिवाइस पूल में जाके तीनों का अलग अलग राउट ग्रुप चूज करूंगा और तीनों के अलग अलग राउट ग्रुप में मैं अलग अलग साइट का गेटवे डालूंगा मैं किस एस पे एक आ, डीप आपकी एक वीडियो भी बना दूंगा इसमें कि पूरा इन लेंथ जो कि आपकी ऑलमोस्ट थर्टी फोर्टी मिनट्स की कि बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कस करूंगा मैं एसएलआरजी के बारे में तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया एसएलआरजी में ये टेस्ट राउट ग्रुप चूज कर लिया और सी तो जैसे जब अब मैंने क्या किया अब कोई भी कॉल उस पर गई नाइन डॉट एट जो मैंने बनाया था राउट पैटर्न उसने देखा भाई अपना राउट लिस्ट है राउट लिस्ट पे गया उसके बाद राउट ग्रुप है राउट ग्रुप में क्या है मेरा फर्स्ट एसएलआरजी एस एल आर जी अब एस एल आर जी और डिवाइस पूल क्योंकि आपका जो एस एल आर जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस पूल में लगता है और कहीं नहीं लगता तो अब आपका क्वेश्चन मे बी नेक्स्ट ये हो सकता है कि एस एल आर जी तो चलो ये वहां पे चला गया भाई एस एल आर जी पे चला गया वहां पे पहुंच गया मैंने वो पैटर्न डाल किया एस एल आर जी पे पहुंच गया बट ये इस डिवाइस पूल को हिट कैसे करेगा कुछ लोग भाई ये क्वेश्चन हो सकता है तो आप जिस फोन से कॉल कर रहे हैं वो फोन कहाँ पे रजिस्टर्ड है उस फोन पे ऑलरेडी डिवाइस पूल होगा ही होगा वो किसी ना किसी कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा हो ही होगा तो वो फोन देखेगा कि मेरा डिवाइस पूल कौन सा है वो पे चलेगा जो चलेगा जो उससे देखा ओके okay, मेरा डिवाइस पूल तो टेस्ट डी टेस्ट फाइव में फिर वहां टेस्ट डीपी में देखा कि मेरा एस एल क्या है एस जी में देखा उसने रोड ग्रुप फाइव है तो ये रोड ग्रुप फाइव पे गया इसके अंदर जो भी गेटवे है ये उस गेटवे से कॉल को बाहर निकाल देगा That's it. It करेगा और यह डिवाइस में, में जो भी गेटवे होगा जो वहां पे फोन है वो चेन्नई के डिवाइस पूल में होगा आप हैदराबाद में बैठे हो वो हैदराबाद के डिवाइस पूल में होगा तो चेन्नई बैठ के अगर आप कॉल कर रहे हो तो चेन्नई का डिवाइस पूल हिट करेगा फिर उसके अंदर एस एल आर जी देखेगा फिर उसके अंदर गेट वे राउट ग्रुप देखेगा आप हैदराबाद बैठे हो वो हैदराबाद का डिवाइस हिट करेगा फिर उसके अंदर एस देखेगा फिर उसके अंदर आउट ग्रुप देखेगा ठीक है मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा विद सिनेरियो ताकि आपको का बिल्कुल क्लियर हो जाए ठीक है तो लेट्स क्लिक ऑन आई ऑलरेडी ऑन सेव तो क्लिक ऑन रिस बटन ओके अभी हाँ कुछ ऐसा डिवाइस नहीं है मैंने ये किसी पे नहीं डाला डिवाइस फुल टेस्टी अभी बनाया है तो कुछ ऐसा वो है नहीं कुछ भी करने का तो लेट्स जस्ट just... बस एक क्लिक कर देते हैं हम सेव पे तो हमारा मेनली यहाँ पे क्या हो गया राउट पैटर्न राउट लिस्ट राउट ग्रुप गेटवे ये हमारा सब कुछ क्रिएट हो चुका है मेन चीज जो आपकी एक और है वो है हमारा ट्रांसलेशन पैटर्न उसके लिए आपको क्या सेम आपको जाना है यहाँ पे कॉल राउटिंग कॉल राउटिंग में यहाँ पे होगा आपका ट्रांसलेशन पैटर्न ट्रांसलेशन पैटर्न में आप चीजें बना सकते हैं लाइक आपको एक पूरा बनाना है एक नॉर्मल फाइव डिजिट्स का बनाना है फोर डिजिट्स का बनाना लाइक एक कॉलिंग प्लान्स चलते हैं कंपनी के अंदर एक इंटरनल एक्सटेंशन के लिए लाइक like, आपकी कंपनी में इंप्लाइज हैं टेन थाउजेंड प्लस बट आप सबके फोन नंबर तो याद नहीं रखोगे तो हम एक एक्सटेंशन बनाते हैं लाइक डिजिट फाइव डिजिट तो हम यहाँ पे एक वो ट्रांसलेशन पैटर्न बनाया ट्रांसलेशन पैटर्न जैसे मैंने बना दिया कुछ भी फोर उसके बाद मैं अगर मैं एग्जैक्ट एक बनाना चाहूँ फोर फाइव सिक्स सेवन तो मैं वो भी बना सकता हूँ और या मैं बनाना चाहू एक्स 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 एक, तो मैं ये भी बना सकता हूँ लाइक like, फोर जीरो 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 से फोर नाइन नाइन तक अगर कोई भी कॉल करेगा तो वो ये वाला ट्रांसलेशन पैटर्न हिट करेगा ठीक है नेक्स्ट इज पार्टीशन पार्टीशन मैंने दे दिया इसमें यूसी पार्टीशन आपको इस पार्टीशन में ये ध्यान रखना है कि ये इस ट्रांसलेशन पैटर्न को तभी हिट करेगा जब ये वाला पार्टीशन उस पर्टिकुलर फोन के सी एस एस में होगा जिस फोन से आप कॉल कर रहे हैं ये पार्टीशन तभी हिट होगा और तभी यह पैटर्न हिट होगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं नॉर्मल एक फोर डिजिट एक्सटेंशन ठीक है नंबरिंग प्लान नन आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना मेन आकर आपको हां सीएसएस आप इस ट्रांजिशन पैटर्न पे हिट कर रहे हैं तो ये आपका सीएसएस इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको और आगे कॉल को भेजना है ये आपको कोई नहीं बताएगा मैं बता रहा हूं सीएसएस यहाँ मैंडेटरी आपको नहीं दिख रहा होगा बट आपको सी एस एस इसमें चूज करना है क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसलेशन पैटर्न ही है जो आपकी कॉल को आगे भेजता है लाइक like, अगर उस ट्रांसलेशन पैटर्न में कुछ भी उसने किया अगर ये मैच नहीं किया या नहीं किया कुछ भी होता है तो ये कॉल को आगे कैसे भेजेगा अगर ये मैच नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है आपको राउट पैटर्न में सीएसएस नहीं दिखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पैटर्न में सीएसएस दिखेगा ताकि ये कॉल को आगे भेज सके ठीक है, Let's just, मैं एक CSS, CSS, जो भी मैंने पहले बना रखा कॉल कर हाँ करी हिट कर रहा है राउट पैटर्न हिट कर रहा है तो एक कॉल राउटिंग का वो होता है कि पहले कौन सी चीज हिट करती है लाइक ट्रांसमेशन पैटर्न हो रहा है या राउट पैटर्न हो रहा है नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे यार ट्रांसमेशन पैटर्न ही हिट होता है सबसे पहले तो बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही हिट होगा ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फिग्रेशन पे आप चाहते हो कि ट्रांस पैटर्न ही हिट हो बाई डिफॉल्ट भी यही हिट होगा बट ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है इस पर अर्जेंट प्रायोरिटी अगर मैं ये अर्जेंट प्रायोरिटी मेरे राउट पैटर्न में डाल दूंगा और मैं सेम बना दूंगा तो मेरा राउट पैटर्न हिट करेगा मेरा ट्रांसम पैटर्न हिट करेगा ही नहीं अर्जेंट प्रायोरिटी में दूंगा ही नहीं तो ये हिट करेगा ही नहीं मेरा राउट पैटर्न हिट कर जाएगा या कुछ और चीजें हिट कर जाएंगी तो मेन चीज आपकी है ये अर्जेंट प्रायोरिटी जो यहाँ पे टिक है बाई डिफॉल्ट ट्रांसलेशन पैटर्न के लिए आप नहीं चाहते मेरा ये सबसे पहले हिट हो अर्जेंट प्रायोरिटी हटा दीजिए दी, अनचेक दैट्स इट ठीक है इसके बाद आपकी आती है यहाँ पे सेम चीज है कॉलिंग पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ भी डिस्कार्ड करना है अब ये डिस्कार्ड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चूज करा है मैंने डॉट तो यूज किया ही नहीं है मैं डॉट अगर यहाँ यूज कर लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे डिस्कार दिखा देगा डिस्कार्ड का ऑप्शन दे देगा बट मैं क्या बना रहा हूँ मैं डॉट वाली चीज बना ही नहीं रहा मैं एक नॉर्मल एक्सटेंशन बना रहा हूँ फोर डिजिट्स का तो डिजिट्स यहां पे आएगा ही नहीं बट मुझे अब इसमें कुछ चेंजेस करना है लाइक like, ये जो वो होता है ना कि फोर डिजिट्स नंबरिंग प्लान ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कि मुझे याद करना है चार डिजिट बट बैक एंड पे ये फुल टेन डिजिट्स नंबर ही डायल करेगा ठीक है लाइक एक ऑल्ड पार्टी ट्रांसफॉर्म मास्क है तो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगा जीरो वन टू फोर ठीक है उसके बाद ये चार डिजिट का है लाइक like मैं कहता हूँ कि सेवन डिजिट्स का होता है तो चार डिजिट एक्सटेंशन हो गया वन टू थ्री मैंने ये ऐड कर दिया जो कि होगा सबके लिए कॉमन है ये जीरो वन टू फोर वन टू थ्री उसके बाद फोर एक्स 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 लाइक फोर ट्रिपल जीरो टू फोर नाइन 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 ये हर किसी में ये जीरो वन टू फोर वन टू थ्री ये एड कर देगा ये ट्रांसफॉर्मेशन मास्क है मैं कुछ और प्रिफिक्स देना चाहता हूँ या कुछ और देना चाहता हूँ वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉलिंग पार्टी के लिए कॉल पार्टी के लिए कुछ भी हम यहाँ कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन पैटर्न एंड क्लिक ऑन सेव तो मेनली हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया आज हमने ट्रांसलेशन पैटर्न बना लिया हमने राउट पैटर्न बना लिया हमने राउट लिस्ट बना ली राउट ग्रुप बना लिया गेट बना लिया एस एल आर हो गया तो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा एस की इन डेप्थ जिसमें कि प्रॉपर मैं एक सीनेरियोज बताऊंगा कैसे क्या क्या ऐसे लर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है लाइक like मैंने अभी आ, डिटेल में तो नहीं बट एक मैंने सिनेरियो दे दिया था कि चेन्नई मुंबई हैदराबाद अलग sites, अलग साइट्स अलग अलग गेटवे इसका एक अलग से वो भी बना दूंगा एक वीडियो ठीक है और इसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द दाइबर बूटअप प्रोसेस जैबर कैसे चलता है इन, आपका इंटरनल एनवायरमेंट में है आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है आप एक्सप्रेस वेज यूज़ कर रहे हैं आप इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे क्या सब होगा नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू